सिद्धार्थनगर शहर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र तुलसियापुर चौराहा पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं उत्तर प्रदेश के महासचिव श्याम सुंदर चौधरी के नेतृत्व में अपने गृह जनपद सिद्धार्थनगर तुलसियापुर चौराहा से सैकड़ों लोगों के साथ जनसंपर्क यात्रा निकाली। वहीं लोगों से आशीर्वाद भी लिया। आरपीआई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुर्गा माता मंदिर पर इकट्ठा होकर बाबा साहब के विचारों और उनके मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया। आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले के दिशा निर्देश पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में जन जन संपर्क किया और वहीं सामाजिक उत्थान के लिए विचार विमर्श भी किया गया। पार्टी की मजबूती के लिए आज तुलसियापुर चौराहा पर दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई और वहीं यूपी में आने वाले आगामी विधानसभा 2022 चुनाव को देखते हुए भाजपा के साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को गठबंधन में कुछ सीटों को दिए जाने को आश्वासन मिला, जिसमें शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र प्रमुखता से सम्मिलित है। और वहीं श्याम सुंदर चौधरी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हमारी पार्टी दलितों, गरीबों, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करती रही है और भविष्य में करेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा में भी बेहतर मजबूती लाएंगे और तमाम योजनाओं को जन जन तक भी पहुँचाएंगे। इस मौके पर शिवम मनोहर पटेल, आकाश गिरी, करमजीत चौधरी, शिव प्रसाद ब्रिजभान, मनोज कुमार, उमेश प्रेमचंद पासवान, बालक राम वृक्ष, आकाश चौधरी, अजय कुमार, अर्जुन पासवान, सदल आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम श्याम सुंदर चौधरी है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठबंधन है। केंद्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामदास आठवले जी केंद्र में 7 साल से मंत्री हैं। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, इस बार उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में हमको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को कुछ सीटें दे रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है कि सोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र 302 में हमारा प्रत्याशी उतारा जाएगा। और उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि आप क्षेत्र में घूमिए और जनता के बीच जाइए और आपको चुनाव में 2022 के चुनाव में उतारा जाएगा। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 1956 में स्थापित की गई थी। दलितों, उपेक्षितों और शोषितों के लिए बाबा साहब ने पार्टी का गठन किया। इसके पहले राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर लोहिया जी थे। बाबा साहब के विचारों को लेकर रामदास आठवले जी चल रहे हैं। दलितों का, उपेक्षितों का जुड़ाव तेजी से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुजन कल्याण यात्रा पर हैं। 26 सितंबर से यात्रा चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कार्यक्रम सिद्धार्थनगर जनपद में लगेगा और आने वाले 2 दिसंबर को विधानसभा में हमारे विधानसभा रथ यात्रा है। सर, ये जानना चाहते हैं कि आज जो है आप तुलसियापुर चौराहे पे दुर्गा मंदिर से शुरुआत किया, तो आपका क्या इसका उद्देश्य होगा? हमारा उद्देश्य, ये मेरा घर है, मैं अपने घर से माता जी के मंदिर से माथा टेक कर मैं निकला हूँ और मैं अपने घर में घूम रहा हूँ, घर के लोगों से आशीर्वाद ले रहा हूँ। यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आगे मैं क्षेत्र में घूमूंगा और जनता के बीच जाऊंगा, जनता की समस्याओं पर फोकस होगा और आने वाले समय में अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, मुझे मौका दिया, तो इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा।